हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक दीक्षित हरियाणा जी के आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हरी एजुकेशन में। तो दोस्तों, मैंने जो टॉपिक वाइज क्लासें और दो तीन क्लासें करंट की जो दी हैं, उनके अलावा जो आज मैं पढ़ाऊंगा वो आपके लिए एक अलग ही टॉपिक है। मैं लगभग मैंने बताया था कि मैं कुछ क्लासें क्रॉस की भी डालूंगा, तो आज जो हमारी क्रॉस की क्लास होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्जाम के लिए, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं लगभग जितनी हो सकता है उतनी क्रॉस करवाऊंगा, तो क्रॉस में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मतलब पढ़ने की कोशिश करेंगे। और भाई ये थोड़ी वीडियो लंबी होगी, क्रॉस जीके में वही हम क्वेश्चन पढ़ेंगे जो SSC ने अभी तक पूछे हैं और आगे पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो आज के जो हमारा टॉपिक होगा वो क्रॉस में होगा, तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा लिया जा सकता है। तो आप ये ना सोचें कि भाई ये क्वेश्चन अब हिस्ट्री से था, अब पॉलिटिकल आ गई, ज्योग्राफी आ गई। तो जितना भी होता जाएगा मैं आज की जो वीडियो में लगभग वो क्वेश्चन सिलेक्टेड लूंगा जो अभी तक SSC ने पूछा है और आगे भी पूछने की बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस है उस चीज़ की। तो आज के जो हम स्टार्ट करते हैं भाई, हरियाणा जो 1 नवंबर 1966 को बन गया, एक क्वेश्चन बनता है कि भाई इससे पहले ये किस चीज का भाग था। तो ये भाई आप सभी जानते हैं कि भाई पंजाब का भाग था। तो पंजाब से पहले किस चीज का भाग था, ये आप सभी जानते हैं भाई यूपी का। तो ये आपको याद रखना है कि भाई 1857 की क्रांति में जो हम अलग किए वो यूपी से अलग करके पंजाब में मिलाए थे। तो ये आपको याद रखना है कि भाई 1857 में क्रांति के बाद 58 में तो हम हरियाणा मतलब पंजाब के साथ अटैच हुआ, इससे पहले हरियाणा यूपी के साथ अटैच था। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात पेपर में पूछी जा चुकी है अब तक। और भाई आज हम इंडिविजुअल हैं, तो इन दोनों टाइम के बीच में हमारी देश आज़ादी का जो टाइम आया 15 अगस्त 1947, इस दिन हमारे हम मतलब किसके साथ अटैच थे, तो वो आप सभी जानते हैं क्योंकि भाई मैंने पहले ही बता दिया कि 58 से लेकर 66 तक का जो हमारा टाइम बीता है वो भाई पंजाब के साथ था। तो इस दिन मतलब सरकार बन गई, मतलब हरियाणा तो अलग मतलब होना ही था, पूरा देश ही अलग हो गया, तो हरियाणा भी एक अलग राज्य था पंजाब के साथ कंबाइंड में। तो उसका जो CM था वो भी कौन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, गोपी चंद भार्गव को हरियाणा पंजाब का पहला CM बनाया गया, जो हमारे हरियाणा के भाई सिरसा जिले से थे। और इनको पहला CM बनाने के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि भाई देश आज़ादी के समय या हरियाणा पंजाब का पहला CM कौन था, भाई गोपी चंद भार्गव। अब आती है CM में दूसरी बात, जब हरियाणा और पंजाब अलग हुए तो भाई कौन CM बना, मतलब 1 नवंबर 1966 को कौन CM बना भाई, तो आप सभी जानते हैं भाई BD शर्मा। तो BD शर्मा के बारे में आपको ये याद रखना है कि भाई BD शर्मा ही है, अगर BD गुप्ता हो जाता है तो आपका आंसर भी बदल जाएगा, क्योंकि ये भी हरियाणा के 4 नंबर के CM है और ये हरियाणा के 1 नंबर CM है। अब BD गुप्ता हरियाणा के 4 नंबर के CM है, एक इनका न्यूज़पेपर है वो आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, क्योंकि आप उसका आंसर पंडित नेकीराम शर्मा भी लगाते हैं, तो जो इसका न्यूज़पेपर है उसका नाम ये आपको याद रखना है भाई हरियाणा केसरी, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम केसरी के नाम से किसे जानते हैं, पंडित नेकीराम शर्मा को, लेकिन हरियाणा केसरी जो न्यूज़पेपर है वो किसका है भाई, समाचार पत्र। तो भाई समाचार पत्र तो है भाई 1958 में निकाला गया था, किसका भाई, BD गुप्ता का। तो भाई हमारे हरियाणा के CM जो बनारसीदास गुप्ता रहे हैं उनका भी एक न्यूज़पेपर रहा है जिसका नाम भाई हरियाणा केसरी है, लेकिन संज्ञा केसरी की किसके पास है भाई, तो पंडित नेकीराम शर्मा। एक नेकीराम शर्मा के बारे में कि भाई बहुत सी बुकें आपको, उनका जो जन्म है वो भाई कैलंगा में हुआ था, तो अब ये कैलंगा भाई भिवाणी में आने लग गया है, रोहतक नहीं करना, ये बुके आपको बताती है बार बार, कोई रोहतक कोई भिवाणी, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं, अभी कैलंगा गांव भिवाणी में आएगा, ठीक है ना। तो भाई बनारसीदास गुप्ता का जो न्यूज़पेपर है वो हरियाणा का हरियाणा केसरी है, संज्ञा पंडित नेकीराम शर्मा को है। पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के एकमात्र ऐसे CM है जो बिना मतों के चुने गए, तो आपसे कभी ये बात करें कि भाई हरियाणा का एक ऐसा CM जो बिना मतों के बना, तो भाई पंडित भगवत दयाल शर्मा। अब इनके नाम पर भाई 2008 में PGIMS नाम सभी ने सुना है, बोल देते हैं PGIMS भाई। PGIMS का मतलब ऐसे होता है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यानी कि भाई स्नातकोत्तर स्वास्थ्य चिकित्सा महाविद्यालय, यानी भाई
यूनिवर्सिटी है अब तो ये विश्वविद्यालय हो गया है, 2008 में हमारे हरियाणा के भाई पहले सीएम के नाम पर ही बनी। तो आपसे पूछा जाए कि भाई रोहतक में जो पीजीआईएमएस है वो उसका किसके ऊपर नाम है, तो भाई हरियाणा के पहले सीएम पे। अब बात कर ले कि भाई पीजीआईएमएस का भाई वाइस चांसलर, बात क्या आती है, चांसलर हमेशा कौन होगा भाई, चांसलर को मैं हिंदी में बताता हूं, कुलपति बोलते हैं। तो हमारे हरियाणा में जैसे 33 यूनिवर्सिटियां हैं, 22 प्राइवेट और 10 गवर्नमेंट और 1 सीयू, तो इनके सभी के जो वीसी होंगे वो अपने अलग अलग होंगे, और भाई जो कुलपति होगा वो हमेशा राज्यपाल होगा। तो हर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होगा, उप कुलपति होगा, वीसी क्या होता है भाई, उप कुलपति होता है। तो जो वीसी है पीजीआईएमएस का वो है भाई ओपी कालरा, मतलब भाई ओम प्रकाश कालरा, ठीक है ना। तो ये पंडित भगवत दयाल शर्मा के बारे में याद रखना है कि हरियाणा के पहले सीएम हैं और भाई बिना मतों के चुने जाने वाले हैं, और हरियाणा के भाई बेरी, जन्म याद रखने की आपको कोई जरूरी नहीं है किसी भी सीएम की, क्योंकि जन्म बहुत ही कम पूछा गया है। जन्म के बारे में दो क्वेश्चन बढ़ते हैं कि देश आजादी के बाद हरियाणा में कितने सीएम जो देश आजादी के बाद जन्मे हैं, तो ऐसे दो सीएम हैं, एक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई एक हमारे मनोहर लाल खट्टर। इन दो सीएम ऐसे हैं जो हरियाणा के 9वें सीएम और 10वें सीएम, इनका जन्म हरियाणा में जैसे इनका देश आजादी के बाद सितंबर में हुआ था, 47 की बात है, 11 सितंबर की, तो इनका जन्म भाई देश आजाद हो गया था 15 अगस्त में, तो इसके बाद हुआ है, और खट्टर का भाई 5 मई 1954। तो ये हरियाणा के मात्र ऐसे दो सीएम है जो देश की आजादी के बाद इनका जन्म हुआ, ठीक है ना। ये हमारे हरियाणा के भाई सांगी गांव के हैं, सांगी गांव से हैं, और ये हमारे हरियाणा के भाई निंदाणा गांव से है, निंदाणा, निंदाणा और बनियाणी पहले एक ही था, लेकिन अब निंदाणा खास पढ़ना है आपको कि भाई मनोहर लाल खट्टर का पैतृक गांव कौन सा, भाई निंदाणा खास, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं दोनों ही किस डिस्ट्रिक्ट के गांव है भाई, रोहतक में। सांगी गांव एक पीछे से चर्चित भी था कि भाई सांगी गांव किस लिए चर्चित था, तो यहाँ की एक लड़की गायकार विधि देसवाल, जो इसने सांगी के स्कूल में दिल्ली में राष्ट्रपति से मेडल जीता है, मतलब सांगी गांव की है, वो विधि देसवाल बता मेरे यार सुदामा जिसने सॉन्ग गाया है, वो इसी गांव की और इसी स्कूल की छात्रा है, विधि देसवाल नाम है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विधि देसवाल का संबंध किससे है, तो गायन से, जो पीछे पॉपुलर सॉन्ग था बता मेरे यार सुदामा उसकी, और सांगी गांव ही भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है खट्टर। एक क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि भाई गणतंत्रता दिवस के बाद हरियाणा के जन्म लेने वाले पहले सीएम, मतलब गणतंत्र की बात, मतलब क्या पूछ रहा है वो, 26 जनवरी 1950 के बाद, तो आपको पता ही लग रहा है कि भाई 26 जनवरी 1950 के बाद एक ही खट्टर का जन्म हुआ है, उसके बाद जो 9 सीएम बच गए उनका जन्म भाई पीछे की बात। तो कैसे भी क्वेश्चन को घुमाएं आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आजादी के बाद बनने वाले दो ही सीएम है। आगे बात हम करते हैं भाई गोपीचंद के बारे में, हो गया सिरसा के हैं, ये बात मोस्ट है कि भाई गोपीचंद भार्गव हरियाणा पंजाब कंबाइंड के पहले सीएम है, इंडिविजुअल हरियाणा के भाई भगवत दयाल शर्मा है। जो दूसरे सीएम बनते हैं राव बीरेंद्र, जो दूसरे क्वेश्चन में अगर हम चलते हैं सीएम के बारे में, तो भाई राव बीरेंद्र, और राव बीरेंद्र के बारे में आपको गांव का नाम पूछ ले तो भाई लगभग बता देते हैं रामपुरा है रेवाड़ी में, लेकिन इनके जो एक्यूरेट गांव का नाम है वो भाई नांगड़ पठानी गांव है राव बीरेंद्र का। और एक बात आप ऐसे याद रखें, जो ये पीछे सीएम बन गए आज इनकी राजनीति के जो वंशज है वो कौन है, तो उसे हमें थोड़ा पता लग जाएगा। जैसे हम राव बीरेंद्र के मतलब पुत्र, जो पुत्र वधु है कोई भी है आज राजनीति में इसका किसका बोलबाला है, तो आप सभी जानते हैं कि राव बीरेंद्र के पुत्र जो है वो भाई राव इंद्रजीत है, इनके पिताजी थे राव इंद्रजीत के ही राव बीरेंद्र। तो भाई नांगड़ पठानी गांव है इनका, और भाई हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी, ये क्वेश्चन एसएससी में बहुत बार किया है कि भाई हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी, पहले गैर कांग्रेसी का मतलब क्या होता है भाई, 1885 से ही हरियाणा में कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था उसमें लाला राय बहादुर मुरलीधर ने भाग लिया, 86 में केंद्र बनाया अंबाड़ा में, 87 में हिसार में बनाया, ऐसे रोहतक में बना, कांग्रेस चलती आ रही थी। तो हरियाणा में भी पहली बार जो भगवत दयाल शर्मा बने वो भी भाई कांग्रेस की पार्टी से थे। तो अब गैर का मतलब क्या होता है, अभी कांग्रेस की पार्टी से
नहीं होना चाहिए, अपने खुद की हो या फिर अन्य कोई राष्ट्रीय दल हो या राजकीय दल हो। तो इसकी जो गैर कांग्रेसी बनने वाले हैं तो इसकी खुद की पार्टी थी भाई हरियाणा विशाल, तो हरियाणा विशाल पार्टी से बने थे इसलिए इसको हरियाणा का पहला गैर कांग्रेसी सीएम कहते हैं। और भाई राव बीरेंद्र एक ऐसे सीएम भी हैं जो भाई लोकसभा मतलब विधानसभा, हमारे हरियाणा में विधानसभा है, विधानसभा के भी भाई स्पीकर रहे हुए हैं। 284 दिन विधानसभा के सबसे कम दिन तक रहने का भी नाम आता है इनका कि भाई सबसे कम दिन तक विधानसभा के स्पीकर कौन रहे, तो राव बीरेंद्र रहे। अगर राव की जगह चौधरी लग गया तो क्वेश्चन क्या पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा, क्योंकि चौधरी बीरेंद्र हरियाणा जीके में एक अलग आदमी है, राव बीरेंद्र एक अलग आदमी है। तो आपको राव बीरेंद्र का मतलब राव बीरेंद्र ही ऑप्शन में हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी पूछ के राव बीरेंद्र की जगह चौधरी बीरेंद्र दे और डी ऑप्शन बी दे दे कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा नहीं करना कि भाई चौधरी बीरेंद्र राइट आंसर, गलत हो जाएगा, क्योंकि चौधरी बीरेंद्र वर्तमान में भाई हमारे हरियाणा के कैबिनेट में इस्पात मंत्री हैं। कौन है भाई इस्पात मंत्री कौन है, तो चौधरी बीरेंद्र उचाणा वाले जो राज्यसभा से नाम नॉमिनेट है उनका, तो राव बीरेंद्र एक अलग है, राव बीरेंद्र अभी इस दुनिया में भी नहीं है। तो चौधरी बीरेंद्र इस दुनिया में है और वर्तमान में भाई इस्पात मंत्री है, ये आपको याद रखना है। हम स्पीकर की बात कर रहे थे कि हरियाणा के पहले पुरुष स्पीकर बनने वाला कैंडिडेट कौन है भाई, तो पहला पुरुष स्पीकर बनने वाला भी राव बीरेंद्र है। तो राव बीरेंद्र के बारे में हमें याद रखनी है कि राव बीरेंद्र की पार्टी कौन सी थी, हरियाणा विशाल पार्टी। जब हरियाणा के दूसरी बार सीएम बने तो 67 में जब इन्होंने अपनी पार्टी से ही चुनाव लड़ा तो विशाल पार्टी की स्थापना भी भाई 1967 में बनी। आज इनके जो पुत्र हैं वो भाई राव इंद्रजीत हैं, और राव इंद्रजीत हरियाणा में कहाँ से एमपी हैं या एमएलए हैं ये बात आपको याद रखनी है। तो वो क्या है भाई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं गुरुग्राम से। कहाँ से है भाई, गुरुग्राम से हैं। और गुरुग्राम से एमएलए तो ठीक है, अगर आपसे कभी गुरुग्राम से एमपी की जगह एमएलए पूछ ले आपसे कि भाई गुरुग्राम से एमएलए कौन है, तो गुरुग्राम से एमएलए आप इंद्रजीत भी कर सकते हो, ये हम मेरे को पक्का पता है कि क्योंकि हम जो सुनते हैं वही करते हैं, ठीक है ना। तो हम सुनते हैं बार बार गुड़गांव से इंद्रजीत को इंद्रजीत, या फिर नरवीर को भी कर सकते हो तुम, वो बादशाहपुर से है, लेकिन ये इंद्रजीत एमपी है प्रॉपरली गुड़गांव से। तो एमएलए कौन है प्रॉपर गुड़गांव से, तो भाई उमेश अग्रवाल। कौन है भाई, उमेश अग्रवाल गुड़गांव से एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्टिक असेंबली। मतलब हरियाणा में आपसे कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा कि भाई हरियाणा में विधान परिषद कितनी है, मतलब विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, वो ऑप्शन में देगा 90, 5, 10, इनमें ही बता दो, आपसे पूछ लेगा। डी ऑप्शन दे देगा कभी कोई नहीं, मैं भी दे देता हूं डी ऑप्शन कोई नहीं। तो भाई जो सुनते हैं वही करते हैं, विधान सुन गया आगे, ये नहीं सुना कि भाई सभा पूछी है या परिषद, तो मार देंगे 90, कोई मार देगा 5 भी मार देगा क्योंकि उसने राज्यसभा सुनी है, कोई विधानसभा लोकसभा भी मार देगा क्योंकि उसने भाई लोकसभा के बारे में सीटें सुनी है। लेकिन बात क्या आएगी भाई, जो राइट क्वेश्चन होगा वो क्या है, कोई नहीं, क्योंकि हरियाणा में परिषद नहीं है, काउंसिल नहीं है, सभा है, तो परिषद की हरियाणा में एक भी सीट नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। जैसे एक क्वेश्चन एसएससी बार बार पीछे पूछा भी है, जैसे कि हरियाणा में महिलाएं ज्यादा कहाँ है भाई, हरियाणा में महिलाएं ज्यादा कहाँ है। दिमाग में महिलाओं की बात आते ही हमारे दिमाग में मेवात जरूर जाएगा कि भाई मेवात में ज्यादा महिलाएं होंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि बिल्डिंग अनुपात वहां ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन गलत है। देखो ज्यादा महिला मैं अभी बताता हूं, वो ओनली इतनी बात पूछ रहा है कि भाई अधिक महिला या भाई ज्यादा महिला जनसंख्या कहाँ है। देखो दिमाग में आया ना मेवात, तो भाई मेवात नहीं करना, क्योंकि मेवात अगर करते हो तो ऑप्शन में जरूर आएगा मेवात, ये कन्फर्म सी बात है भाई। क्योंकि अब हम फरीदाबाद के बारे में सुनते हैं, फरीदाबाद की जनसंख्या लगभग में 18 लाख है भाई, मेवात की जनसंख्या है वो 10 लाख से कम वाले आंकड़ों में आती है। तो कम वालों में मान लो हम 9.5-10 मान लेते हैं, 10 से कम है वैसे, 10 मान लेते हैं। अगर इसमें आधी भी महिलाएं मान ले, बच्चों को छोड़ो आधी मान लेते हैं, इसमें 1/3 भी मान लेते हैं, तो भी भाई 6 और 5 का आंकड़ा बनता है, फिर भी फरीदाबाद में आगे नहीं जाता, आधे भी लगा लेते हैं तो भी मेवात। तो भाई जनसंख्या अधिक महिलाओं की कहां पर है, फरीदाबाद में करनी है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। राज्यसभा ने
पूछा भी है बार बार, क्योंकि हमें दिमाग में मेवाप चला जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि भाई जनसंख्या ज्यादा कहां पे है महिलाओं की। तो ये एक भाई हरियाणा भारत का उल्टा है, मेवात और गुरुग्राम। हम क्या करते हैं, मतलब इंडिया क्या है भाई, ये केरल है जैसे, और ये भाई इसका लिंग अनुपात, और भाई ये इसकी साक्षरता केरला की। तो वो लिंग अनुपात में भी ज्यादा है और भाई साक्षरता में भी ज्यादा है, कौन भाई, भारत का राज्य है केरल, लेकिन हमें हरियाणा हमेशा ही उल्टा रहा है। तो भाई मेवात में क्या है, कम लिंग अनुपात, मतलब मेवात में ज्यादा लिंग अनुपात, कम नहीं ज्यादा, और भाई साक्षरता कम, मतलब जो लोग पढ़े लिखे हैं ना वो ही अनपढ़ों वाली बात कर रहे हैं, किसमें, गुरुग्राम में, मतलब साक्षरता ज्यादा और लिंग अनुपात कम। तो हो गया ना हरियाणा का उल्टा, भारत का उल्टा हो गया ना, कि भारत में जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं वही ज्यादा समझदार हैं, साक्षरता सबसे ज्यादा है, लिंग अनुपात भी सबसे ज्यादा है। हमारा हरियाणा उल्टा क्या कर रहा है भाई, साक्षरता जो लोग पढ़े लिखे हैं वही लिंग अनुपात को कम कर रहे हैं, मेवात में क्या है, जो लोग पढ़े लिखे हैं वही लिंग अनुपात को बढ़ा रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है कि भाई हरियाणा उल्टा है, वो आपसे इन चीजों में कंफ्यूज जरूर करवाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है कि भाई लिंग अनुपात में कहां ज्यादा है, महिलाएं कहां पे हैं, ये आंकड़ों में भी आपको याद रखना है। तो हम आगे बात सीएम की चल रही थी, जो हरियाणा का 3 नंबर का सीएम था भाई बंसीलाल के बारे में आपको याद रखना है कि कई पुस्तकों में आपने पढ़ा होगा कि भी आधुनिक हरियाणा निर्माता या मॉडर्न फाउंडर फादर, हरियाणा आधुनिक हरियाणा के भाई निर्माता, या भाई हरियाणा मॉडर्न फाउंडर भी बोल देते हैं, या फिर भी लो पुरुष, हरियाणा का विकास पुरुष, डेवलपमेंट मैन या विकास पुरुष भाई, ये संज्ञा इसी को दे रखी है। लेकिन कई बार वो आपसे पूछता है कि भाई किसानों का मसीहा भाई देवीलाल को बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, किसानों का मसीहा देवीलाल है, कभी विकास पुरुष के बारे में तुम सोच जाओ, ठीक है ना। और किसानों की लेकिन आपसे पूछे कि भाई कृषि नियम किसने दिया, कृषि नियम को बोल देते हैं अभी बाजार नियम भी बोल देते हैं, मार्केटिंग बोर्ड भी बोल देते हैं, ये मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना किसने की थी, इन तीनों का आंसर अलग है, छोटू राम, ठीक है। तो देख लेना, किसानों का मसीहा बोलते हैं, इसी वजह से हरियाणा सरकार देवीलाल कृषि पुरस्कार देती है, जो जिले में अच्छी कृषि करता है 25,000 रुपए, पूरे राज्य स्तर पर अच्छी कृषि करता है उसको 1,00,000 रुपए तक का प्राइज राज्य सरकार देती है, जननायक चौधरी देवीलाल के नाम पे, जननायक के नाम से भी इन्हें ही जाना जाता है, ठीक है ना। तो आधुनिक हरियाणा निर्माता, लोह पुरुष, विकास पुरुष, ये सारे ही भाई बंसीलाल है। बंसीलाल की भाई बात हम करते हैं कि भी आज इनकी आगे की परंपरा कौन संभाल रहा है। तो आपने सुना होगा भाई किरण है, और किरण की जो लड़की है श्रुति चौधरी, किरण चौधरी जो कांग्रेस में है, वो ही बंसीलाल के जो लड़के थे सुरेंद्र, उनकी वाइफ है किरण। तो भाई बंसीलाल के जो आगे की जो राजनीति है वो ये संभाल ली है। उनके बाद बंसीलाल ने एक पार्टी बनाई थी, ये इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी थी, इन्होंने विकास पुरुष इसीलिए कहा जाता है कि भी इन्होंने विकास पार्टी, जिनका चुनावी चिन्ह लड़का लड़की था, ये इनकी पार्टी थी। और जब ये हरियाणा के तीसरी बार सीएम बने तो भाई कांग्रेस की सहायता से बने थे, ना कि आपके पार्टी से, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी बना रखी थी 1969 में। ये अपनी पार्टी से और भी 2 बार सीएम बनेंगे हरियाणा के, लेकिन अंतिम समय में भाई, जब अंतिम बार सीएम बनेंगे, अंतिम बार यानी कि अंतिम बार जब सीएम बनेंगे, तो ये भाई 1996 में जब सीएम बनेंगे तो इनका विलय भाई, मतलब विकास पार्टी का विलय किस में करके जाएंगे, कांग्रेस में। तो आप देख सकते हो कि आज किरण चौधरी, श्रुति चौधरी कांग्रेस में ही है। तो आप ये देख सकते हैं कि भाई विकास पार्टी का विलय कांग्रेस में कब करके गए थे, ये खुद ही करके गए थे जब लास्ट टाइम जिन्होंने शराब बंद की थी, जो शराब निषेध कानून बनाया गया था 96 में, जब ये हरियाणा के सीएम थे, इन्होंने ही शराब पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन ये कानून सफल नहीं हुआ। बाद में 1958 में शराब निषेध कानून तोड़ दिया गया। या आपसे पूछा जाए कि भाई शराब निषेध कानून कब तोड़ा गया, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शराब निषेध कानून कब बनाया गया 96 में,
तोड़ा कब गया 98 में, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है कि भाई हरियाणा के बंसीलाल के बारे में ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। हरियाणा में गोलागढ़ भिवानी से संबंध रखते हैं और इनके नाम पर भाई बंसीलाल स्टेडियम भी है लाहली में, आपको ये याद रखना है। अब बंसीलाल के बारे में एक क्वेश्चन और बनता है कि भाई बंसीलाल के नाम पे यूनिवर्सिटी भी है एक, जो 2013 में भिवानी में बनाई गई थी। तो आपको ये याद रखना है, बंसीलाल हमारे हरियाणा के भाई तीसरे सीएम है जिनको हम हरियाणा के इन नामों से भी पुकारते हैं। हरियाणा विकास पार्टी 1969, कई बुके भाई आपको 1991 भी दिखाएंगी, लेकिन आप ऑप्शन से देखना, अगर 69 और 91 दोनों है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भाई छोटे रूप पे जो पार्टी है 91 में तो उन्होंने पार्टी का जो सीएम लड़ने के लिए वादा किया था हरियाणा कांग्रेस से, और जो वादा बाद में 96 में पूरा होता है उकम सिंह सीएम बनने के बाद, तो आप देख सकते हैं। तो जो बंसीलाल का क्वेश्चन बनते हैं हरियाणा जीके में वो यही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज कुछ आपको सीएम के क्वेश्चन करवा रहा हूं जो पूछे जाते हैं। एक बंसीलाल का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है भाई 4633 दिन तक हरियाणा की सीएम पद के ऊपर भाई इन्होंने कार्य किया, तो सबसे अधिक दिन, ये कई पुस्तकें आपको भजनलाल दिखाएंगी कि भाई सबसे ज्यादा दिन तक सीएम पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति कौन है भाई, तो हमारे बंसीलाल हैं। और इन्होंने भाई कितने दिन तक कार्य किया, तो भाई 4633 दिन। अब इनमें आता है कि भाई लगातार ज्यादा दिन तक काम करने वाले भाई वो ये हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। इन्होंने लगातार दो योजना काम किया है भाई, एक ही सीएम के पद पे बीच में, मतलब कंटिन्यूटी 10 साल तक इन्होंने काम किया सीएम के पद पर, तो लगातार ये है। ज्यादा बार बनने वाले, मतलब भाई सीएम ज्यादा बार बनने वाले भाई 5 बार सीएम बनने वाले ओम प्रकाश चौटाला है। सबसे कम दिन तक बनने वाले तो भी भाई ओम प्रकाश चौटाला है, कम दिन तक भी, मात्र 5 दिन तक रहे सीएम, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। सबसे ज्यादा राज्यपाल में पूछे भाई कि हरियाणा के सबसे ज्यादा राज्यपाल कौन रहे सबसे ज्यादा दिन तक, बाबू नारायण या भाई बीएन नारायण चक्रवर्ती, 67 से लेके और भाई 76 तक ये लगातार हमारे हरियाणा के राज्यपाल रहे। और भाई कम दिन तक भाई ज्यादा हो गया, कम दिन तक रहे ओपी ओम प्रकाश वर्मा, ठीक है। तो ये आपको ज्यादा कम में पूछ सकता है, हर गवर्नर को याद करने की आवश्यकता नहीं है। आज का याद कर लें, पहला याद कर लें, और भाई जो राज्यपाल का ज्यादा और टाइम कम है वो याद कर लें। डी ग्रुप और हरियाणा पुलिस में इसी लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। और एक भाई जो हमारे हरियाणा के एआर किदवई थे, जो 13वें गवर्नर थे, उनका 12 जून 2015 में निधन हो गया था। तो आपसे पूछा जाए कि हरियाणा के कौन से नंबर के राज्यपाल बने थे एआर किदवई, तो 13वें नंबर के उनका निधन हो गया था 2015 में, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम पढ़ते हैं, बंसीलाल हो गया, उनके बाद आता है भाई बनारसी दास गुप्ता, जिनको हम बीडी गुप्ता बोलते हैं, वो भी हमारे हरियाणा के भिवानी से। भाई सबसे ज्यादा सीएम बनने वाला जिला भिवानी था, देखो भिवानी से 3 सीएम निकले थे, एक तो भाई सबसे पहले बंसीलाल, बनारसी दास गुप्ता, और उसके बाद एक ये हुकम सिंह। अब हुकम सिंह सरखी दादरी बनने के बाद हुकम सिंह को हम भिवानी में नहीं गिनेंगे, क्योंकि ये फोगाटों की ढाणी से हैं। अब फोगाटों की ढाणी कहां पर है भाई, ये आप सभी जानते हैं, फोगाटों की ढाणी आ गई सरखी दादरी में। तो भाई अब ओनली भिवानी से, जैसे वही बात हमारे बीडी शर्मावाड़ी, जब भाई झज्जर था ही नहीं 97 में बनाया झज्जर, तो उस टाइम से पहले झज्जर किस जिले का भाग था, रोहतक का। तो भाई पहले टाइम पे तो हम गिनते थे कि भी भगवत दयाल शर्मा कहां से है, रोहतक से, इसीलिए इनके नाम पे पीजीआई बनाई थी। लेकिन बाद में ये बेरी के, जो बेरी है वहां से थे, पर बेरी बाद में किस जिले में आ गया भाई, झज्जर में आ गया। तो यही बात अब हो गई है कि हरियाणा में भिवानी से 3 सीएम थे, लेकिन जो हुकम सिंह थे वो भाई फोगाटों की ढाणी से थे। ये फोगाटों की ढाणी का हरियाणा जीके में एक क्वेश्चन और बनता है बस, कि भाई फोगाटों की ढाणी में एक विमान दुर्घटना हुई थी, विमान
दुर्घटना वो कब हुई थी भाई? 12 मई 1996 को, और भाई कहां पर? फोगाटो की ढाणी चरखी दादरी में प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें भाई 349 लोग मारे गए थे। ये साइबेरियन सऊदी अरब कर दो, सऊदी अरब या सऊदी अरबेनिया का ये प्लान था, और भाई हमारे दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से उड़ा था, और भाई ये विमान दुर्घटना हुई, और एक व्यापारिक जो प्लान था दुबई का उसके साथ इसकी प्लान की क्रैश हो गया था जिसमें 349 लोग मारे गए थे, और भाई कहाँ पे? तो भाई फोगाटों की ढाणी चरखी दादरी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाए कि हरियाणा में मात्र एक विमान दुर्घटना कब हुई, तो भाई 12 मई 1996 को फोगाटों की ढाणी। अब हुकम सिंह का पैतृक भी गांव यही है, तो भाई बंसीलाल और बनारसीदास दो ही सीएम करने हैं भिवानी से, तो बनारसीदास हमारे हरियाणा के 4 नंबर के सीएम थे, बंसीलाल 3 नंबर के सीएम थे। तो पूछा जाए कि पहले बनारसीदास बने या बंसीलाल, तो भाई बंसीलाल। बनारसीदास का एक न्यूज़पेपर मैंने बताया था वो बहुत ही ज्यादा फेमस है कि भाई हरियाणा केसरी, कि भाई हरियाणा केसरी के नाम से जाने जाने वाले कैंडिडेट तो पंडित नेकीराम शर्मा, लेकिन समाचार पत्र भाई केसरी समाचार पत्र किसका है? तो बनारसीदास का। नेक्स्ट जो सीएम है उसके बारे में पढ़ते हैं, देवीलाल। देवीलाल, देवीलाल को आप मैंने अभी बताया था ये गांव का नाम चोटाला अगर आ जाता है तो बहुत ठीक है, लेकिन उस टाइम पे चोटाला नहीं था, इनके गांव का नाम तेजा खेड़ा है, तेजा खेड़ा। हाँ ओम प्रकाश चोटाला का गांव का नाम ठीक है, लेकिन ये तेजा खेड़ा गांव अगर पूछा जाता है तो भाई सिरसा में ही है, और देवीलाल का ही पैतृक गांव है। दोनों ऑप्शन में आपको नहीं मिलेंगे, ये आप कंफ्यूज मत होना, लेकिन तेजा खेड़ा आए तो हमें तेजा खेड़ा करना है अगर चोटाला नहीं है तो, ठीक है ना। तो देवीलाल तेजा खेड़ा सिरसा से है, और भाई हमारे हरियाणा के किसानों के मसीहा जननायक के नाम से हरियाणा के इतिहास में जाने जाते हैं, क्योंकि भाई एक किसानों के लिए 1984 की बात है। एक आपको मैं क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है मैं बताता हूं कि हरियाणा फसल बीमा आयोग लागू करने वाला भारत का ही पहला राज्य है भाई। मतलब आपकी फसल को कोई प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है तो हरियाणा उसको मुआवजा देगी। तो आपको पता ही है कि फसल ज्यादा बारी सूखा पाला पड़ने से अगर आपकी फसल नुकसान होता है तो भाई सरकार उसका मुआवजा देती है, जिसका क्या नाम है भाई? फसल बीमा आयोग। ऐसा करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य है, तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और किसानों का मसीहा देवीलाल, और देवीलाल ने एक नारा दिया था, वो पेपर में आया हुआ है कि भाई देवीलाल ने नारा कौन सा दिया था, उस नारे का नाम है कि भाई लोक राज है, लोक राज लोक लाज से चलता है, लोक राज लोक लाज से चलता है, और हमारे हरियाणा के 5 नंबर के सीएम थे, ये भी इनकी कथन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। हरियाणा में 2-3 कथन है, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए पंडित नेकीराम शर्मा, और एक भाई ये लोक राज लोक लाज से चलता है, ये भी किसका है भाई? देवीलाल का। अब एक बात आती है पार्टी, बाद में पार्टी तो भाई इसने बनाई है, ये कई बार क्वेश्चन कर देते हैं कि भी पार्टी तो ओमप्रकाश चौटाला ने बनाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। INLD इंडिया नेशनल लोकदल की स्थापना भाई अक्टूबर 1996 में देवीलाल ने ही की थी। INLD पार्टी की सरकार पहले जनता दल से थे, बाद में इनकी पार्टी भाई INLD इन्होंने अपनी बनाई है, क्षेत्रीय पार्टी है, और 1996 में इस पार्टी का गठन किया था पंडित, ये पंडित का नाम आता है कि भाई देवीलाल ने। अब बात आती है कि भाई देवीलाल ने एक ऐसा काम किया जिनके लिए बुजुर्ग उनको आज भी याद करते हैं, जो भाई वर्धा भत्ता योजना, जिनको भाई बुढ़ापा पेंशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बुढ़ापा पेंशन, ये शुरू की भाई 1973 में मात्र 100 रुपए से, और आज के दिन ये भाई जो बुढ़ापा पेंशन है, अब इस 1 नवंबर को दिन यानी कि जो आएगा 1 नवंबर 2018 का, उसके दिन से भाई 2000 रुपए हो जाएगी,
बुजुर्ग भत्ता पेंशन योजना है, और इसी दिन हरियाणा एक और 2000 रुपए का ही पेंशन दे रहा है अभी तेजाब पीड़ितों को, कि अगर 2 मई 2011 के बाद अगर किसी महिला पे एसिड अटैक हुआ है तो उस महिला को भी हरियाणा सरकार भाई 2000 रुपए मासिक पेंशन के रूप में देगी। विधुर पेंशन योजना अभी लागू करने की बात चली हुई है, लेकिन घोषणा नहीं की है कि भाई हम विधुर पेंशन योजना कब देंगे। तो हमारे हरियाणा के जो 10 सीएम हैं उनके बारे में हमने आज इस वीडियो में 5 जो मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में पढ़ लिया, जो एचएसएससी बार बार उनके जन्म मृत्यु ये नहीं पूछता है। तो आपको ये याद रखना है कि आज जो 5 सीएम हो गए जिनके क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनते हैं वो आपको याद रखना है। और आगे हम टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उनके माध्यम से भी आपको अच्छी तैयारी करवाने की पूरी पूरी हमारी कोशिश रहेगी। और टेस्ट सीरीज जो पवन सर अपने डिस्कशन में लेके जो आ रहे हैं उनको भी देखें, चेक करते रहें। और भाई हमारे यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट लाइक, आप कमेंट नहीं करते हैं जिससे हमारे भाई ऊर्जा मतलब जो आपका कमेंट है और जो हमारे मतलब हमारे पढ़ाने का तरीका या आपको कुछ कमी है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा हमें मतलब मोटिवेट करोगे हम उतना ही ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो हरी एजुकेशन के साथ जुड़े रहें, और ऐसी वीडियो जो करंट की है मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, उन्हीं के बारे में चर्चा करूँगा जो एचएसएससी अपने लेवल पे पूछती है, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो जो आज की क्रोस जीके है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।